जिंदाबाद, 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 राजा साहेब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खबरदार, लोकतंत्र में इस तरह से राजा जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। ये ज्ञानी जैल सिंह विचार मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम का नजारा है। मौका देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह की पुण्यतिथि का है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और स्वर्गीय बीपी सिंह के कार्यों को उन्होंने याद किया। लोकतंत्र का संवर्धन और लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए सामाजिक चेतना जरूरी है और वह बीपी सिंह के कार्यकाल में इतना हुआ कि वोट के प्रति भागीदारी बढ़ी, राजनीति में आने के की सहभागिता बढ़ी। देश को गणतंत्र घोषित हुए 60 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन हद है, अभी भी जेडीयू जैसी पार्टियों के सहयोग से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राजा जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। बैनर पर भी यही शब्द दिखते हैं। हमने जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के सुपुत्र अजय प्रताप सिंह से सवाल किया कि कैसा लगता है आपको राजा कहलाना, तो उनके साथ आए एक व्यक्ति के कान खड़े हो गए। उन्हें बोलने से कैसे रोका गया ये देखिए। देखिए, ऐसी बात है कि जिसमें राजा साहब थे उस समय भी कहा जाता था कि राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, उनके लड़के हैं, सोच इनका वही है, इसलिए कृपया इस पर आप टिप्पणी न करें। आज वो दिन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, हम आए हैं उनके स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, इसलिए पुण्यतिथि है, इसलिए कृपया ये सवाल न कीजिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह के महत्व को हरगिज कम करके नहीं आंका जा सकता। उनके बारे में तो नारा ही गूंजा एक जमाने में कि राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर है, इसलिए उनके पुत्र को जरूर सुनिए। कुछ निर्णय उन्होंने राजनीतिक जीवन में ले लिए, लेकिन काम पूरा न हो पाया। उन मुद्दों को मैं वहीं से अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, खास करके गरीब, किसान, मुसलमान, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के ये मुद्दे उन्होंने नहीं छेड़े थे। लोकतंत्र में राजा कहकर संबोधित करना और उसकी जयकार करना राजनीति की कैसी धारा है और इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, इसे समझने की कोशिश आप भी करिए। क्या राजनीति में इसी जयकारे के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह के सपने को पूरा करेंगे अजय प्रताप सिंह, फिर राहुल गांधी को युवराज कहने और अजय प्रताप सिंह को राजा कहने में भला क्या फर्क, जरा सोचिए। पटना से आर्यन न्यूज के लिए कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियंवत की रिपोर्ट।